हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हमने आपको परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन समझाया था और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन किया था, तो मैं आगे क्वेश्चंस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो वी हैव अ क्वेश्चन, गिवन फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, तो हमारे पास डिफरेंट कलर्स हैं, फोर फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, मान लो ये फोर कलर्स हैं, उन फ्लैग्स हैं जिनके कलर्स डिफरेंट कलर्स हैं, तो फोर कलर्स के डिफरेंट फ्लैग्स है हमारे पास, हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ अ सिग्नल रिक्वायर्स यूज ऑफ टू फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो देखेंगे हमने सिग्नल्स बनाने हैं जिसमें हमें दो कलर्स चाहिए, डिफरेंट कलर्स मतलब सेम कलर नहीं हो सकते, C1 C1 C2 C2 ऐसे नहीं हो सकते, तो कितने जनरेट हो सकते हैं काउंट करें। देखेंगे ये C1 ये C2 एक सिग्नल तैयार हो गया, हाँ जी बच्चों, तो C1 C2 फिर C1 C3 ये भी एक सिग्नल बन गया, क्योंकि सिग्नल के लिए हमें दो डिफरेंट कलर्स चाहिए, तो ऊपर मैंने C1 रखा नीचे C2 रखा तो एक सिग्नल तैयार हो गया। तो पॉसिबिलिटी क्या है, C1 C3 हो सकता था, C1 C4 भी हो सकता था इन द सेम वे, और बनाइए C2 ऊपर C1 नीचे ये भी सिग्नल बन सकता था, ऐसे भी हो सकता था C2 को C3 के साथ सिग्नल बना लो फिर C2 को C4 के साथ इन द सेम वे, C3 C1 C3 C2 C3 एंड C4 इन द सेम वे, C4 ऊपर, हाँ जी बच्चों, C1 नीचे इन द सेम वे, C4 को C2 के साथ C4 को C3 के साथ, तो टोटल वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 सिग्नल्स आपका आंसर है। तो लेकिन ये तो हमारे पास मैनुअल वर्क करने पर मिला, लेकिन परम्यूटेशन हमें मैनुअल वर्क करने से बचाती है, हमारा टाइम सेव करती है, तो उसके लिए हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन की हेल्प लेंगे। तो देखेंगे क्या लिखेंगे, तो हमारे पास सिग्नल बनाने के लिए वी हैव रिक्वायरमेंट ऑफ टू सिग्नल्स, तो बच्चों इस बॉक्स को फिल करने के लिए अपर बॉक्स, तो आप लिखेंगे अपर बॉक्स कैन बी फिल्ड इन फिल्ड बाय फोर कलर्स, ठीक है, यहां पे कोई भी कलर का फ्लैग आ सकता है C1 C2 C3 C4, लेकिन जो सा कलर यहां पे फिल कर दिया ठीक है वो कलर नीचे बॉक्स में नहीं आएगा, बिकॉज वी नीड डिफरेंट सिग्नल्स, रेपिटेशन इज नॉट अलाउड, अपर बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय फोर कलर्स एंड देयरफॉर क्या लिखेंगे, लोअर बॉक्स कैन बी फिल्ड बाय थ्री कलर्स, रीजन बिकॉज वी नीड डिफरेंट ठीक है कलर्स फॉर सिग्नल फॉर जनरेटिंग सिग्नल, तो दैट्स व्हाई एक काम करने के लिए अगर आपके पास चार तरीके हैं, दूसरा काम करने के लिए तीन तरीके हैं, तो काम तो दोनों ही करने हैं तभी सिग्नल बनेगा। तो देयरफॉर प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन ने हमें बताया कि अगर एक काम करने के एम वेज हैं, दूसरे के एन वेज हैं, तो इकट्ठे करने के टुगेदर दोनों को करने के लिए एम मल्टीप्लाई एन वेज है, तो हमें लिखना है बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ, हाँ जी बच्चों, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन जब काउंटिंग वन इज सेम थिंग द रिक्वायर्ड सिग्नल्स, कितने सिग्नल्स बने इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेज, तो नंबर ऑफ वेज कितने हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 × 3 12 वेज, हमने आपको काउंट करके भी बता दिया और डायरेक्ट फॉर्मूले से भी समझ आ गया। तो दिस कंप्लीट्स अ क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, नेक्स्ट वी हैव अनदर क्वेश्चन, तो अभी हम मैनुअल वर्क करेंगे नहीं, हम सिंपल सीधा अप्लाई करेंगे फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन की हेल्प से। तो क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन कैन ट्रेवल फ्रॉम जलंधर टू लुधियाना, जलंधर टू लुधियाना डिस्ट्रिक्ट है, जलंधर टू लुधियाना थ्रू थ्री
पाथवेज। तो बच्चों जलंधर से लुधियाना जाने के लिए हाँ जी उसके पास तीन रास्ते हैं, किसी भी वे से वो जलंधर से लुधियाना जा सकता है, ठीक है। लुधियाना पहुंचने के लिए पर्सन के पास थ्री ऑप्शंस हैं, ठीक है। फर्दर फिर उसने लिखा है फ्रॉम लुधियाना टू चंडीगढ़, लुधियाना टू चंडीगढ़, लुधियाना से अब उसे चंडीगढ़ जाना है थ्रू फोर पाथवेज। तो उसके पास लुधियाना से चंडीगढ़ जाने के लिए, हाँ जी बच्चों, लुधियाना से चंडीगढ़ जाने के लिए उसके पास फोर रूट्स हैं। आई होप क्लियर है सबको। तो बच्चों लुधियाना से चंडीगढ़ जाने के लिए उसके पास फोर रास्ते हैं, रूट हैं। एंड फ्रॉम फर्दर फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला उसके पास थ्रू टू पाथवेज, दो रास्ते हैं। तो चंडीगढ़ से शिमला जाने के लिए उसके पास शिमला जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो ये क्वेश्चन है। तो बच्चों देन इट इज आस्किंग इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द पर्सन ट्रेवल फ्रॉम जलंधर टू शिमला। उसने बेसिकली जलंधर से शिमला जाना है। तो देखें जलंधर से लुधियाना जाना पड़ेगा, फिर लुधियाना से चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, फिर चंडीगढ़ से शिमला जाना पड़ेगा। तो बेसिकली उसको जलंधर से शिमला पहुंचना है। तो देखें एक काम फर्स्ट वर्क क्या है, उसे जलंधर से लुधियाना जाना है, ठीक है। तो एक काम वन वर्क फ्रॉम जलंधर टू लुधियाना इट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, थ्री वेज। तो क्या लिखेंगे, देयर आर थ्री वेज हाँ जी फ्रॉम जलंधर टू लुधियाना। तो बच्चों लुधियाना से उसको चंडीगढ़ जाना पड़ेगा, उसके कितने तरीके हैं, देयर आर हाँ जी फोर वेज फ्रॉम लुधियाना टू चंडीगढ़। एक काम करने के तीन तरीके हैं, दूसरा काम भी उसे करना है, लुधियाना से चंडीगढ़ जाएगा तो उसके कितने वेज हैं, कितने रूट्स हैं, कितने तरीके हैं, चार चॉइसेस है उसके पास, किसी भी रूट से जा सकता है, फोर वेज। फिर चंडीगढ़ से उसे शिमला जाना है एंड फ्रॉम चंडीगढ़ टू शिमला हाँ जी देयर आर टू वेज। तो देयरफॉर बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग शॉर्ट में लिख दिया या एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ वेज हाँ जी फ्रॉम जलंधर टू शिमला जाना है तो कितना होएगा, एक काम करने के तीन तरीके, दूसरा काम करने के चार तरीके, तीसरा काम करने के दो तरीके, हमें सारे वेज जाने तो टोटल एक काम करने के एम तरीके, दूसरा काम करने के एन तरीके, तीसरा काम करने के पी तरीके, तो सभी को इकट्ठा करने के कितने वेज है, तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन बोलता है कि थ्री को मल्टीप्लाई कर देंगे फोर से, फोर को मल्टीप्लाई कर देंगे टू से, उसके पास 24 वेज हैं। समझ आया सबको, दिस इज द आंसर। देखिए एक वे कौन सा है, ये इधर से गया जंगल, ये एक रूट पकड़ा आर वन, यहां से एक इधर गया, एक इधर गया, एक इधर गया, एक तरीका हो गया पहुंचने का। दूसरा तरीका इधर से गया, इधर से सेकंड रूट पकड़ा, इधर से फिर ये, तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज आप काउंट कर सकते हो, 24 वेज है जलंधर से शिमला जाने के लिए। तो अब आप कोई भी सर्विस सब्मिट कर सकते हो, ट्राई करेंगे क्वेश्चन, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।